नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। दिल्ली के कंझावला की अंजलि जो एक कार के नीचे आ गई थी और 12 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया, नतीजा उसकी बेरहम मौत। उसे बदनाम करके आखिर गोदी मीडिया और दिल्ली पुलिस किससे फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने उभर कर आ गई है कि अंजलि ने शराब नहीं पी थी। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल खिलाफ आजाद है तेरे। याद कीजिए किस तरह से अंजलि की एक दोस्त निधि सामने आती है और वो निधि बार बार पत्रकारों से बातचीत में कहती है कि अंजलि ने शराब पी रखी थी। मीडिया का जो पूरा कवरेज था ना दोस्तों, उसका मकसद सिर्फ एक था कि अंजलि के चरित्र का हनन किया जाए, उसे बदनाम किया जाए। मैंने अपने एक अन्य कार्यक्रम में भी कहा था कि अगर अंजलि ने शराब पी भी रखी थी तो क्या इससे वो गुनहगार हो जाती है? इस देश के मर्द न्यू ईयर्स पार्टी में खुलकर शराब पीते हैं। अगर अंजलि ने शराब भी पी थी तो उसने अपने स्कूटर के नीचे किसी को रौंदा तो नहीं था, मगर हां, उन 5 मनचलों ने शराब के नशे में अंजलि को रौंदा और उसकी बेरहम मौत हुई। मगर अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने उभर कर आ गई है जिससे स्पष्ट हो चुका है कि उसने शराब नहीं पी रखी थी। और इसी से रहस्य और गहरा जाता है कि आखिर दिल्ली पुलिस और अंजलि की अपनी दोस्त निधि गोदी मीडिया के साथ मिलकर क्यों अंजलि को बदनाम कर रहे थे? क्या मकसद था कि गृहमंत्री अमित शाह को बचाया जाए? क्या मकसद यह था कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो बद से बदतर होता जा रहा है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत, केंद्र सरकार को बचाया जाए? याद कीजिए किस तरह के शोज न्यूज चैनल्स चला रहे थे कि दरिंदों की खैर नहीं, अमित शाह आने वाले हैं। अगर दरिंदों को डर होता तो यह घटना जो है वो नहीं होती, वो तमाम ढेरों घटनाएं नहीं होती जहां पर औरतों के साथ अत्याचार होता है। सबसे पहले दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स पोस्टमार्टम के बारे में क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स कह रही है, अंजलि की रिपोर्ट में नहीं मिला शराब का जिक्र। उसी तरह से एक अन्य रिपोर्ट भी कहती है कि अंजलि ने शराब नहीं पी थी, सहेली का दावा झूठा। मीडिया रिपोर्ट इस बारे में क्या कह रही है, दिल्ली पुलिस की भूमिका किस तरह से संदिग्ध है, यह सब मैं आपको बतलाने वाला हूं। मगर सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर मीडिया रिपोर्ट कह रही है, राजधानी दिल्ली में सुल्तानपुरी और कंझावला में अंजलि की मौत में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अंजलि की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नया खुलासा हुआ है, इसमें उसके शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि इससे पहले अंजलि की सहेली निधि ने उसके शराब पीने की बात कही थी। इस कारण बयान और रिपोर्ट में विरोधाभास होने के चलते पुलिस निधि से दोबारा पूछताछ करेगी। यह मामला गडमड और यह मामला पेचीदा इसलिए हो जाता है क्योंकि दिल्ली पुलिस बहुत ही हल्की धाराओं में शुरुआती केस दर्ज करती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उन 5 आरोपियों को बचाने का प्रयास है। और जैसा कि आप जानते हैं, उन 5 में से एक ये शख्स मित्तल, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था जो गाड़ी में आगे बैठा हुआ था। और उसके बाद निधि सामने आती है। निधि क्या कहती है कि अंजलि ने शराब पी रखी थी, वो अंजलि को लगातार रोक रही थी, मगर फिर भी अंजलि ने स्कूटर चलाया, शराब के नशे के चलते ही उसकी मौत हो गई। और निधि को सामने कौन लाया था दोस्तों? मेरे सूत्र बता रहे हैं कि मीडिया से निधि पर दबाव डाला गया था बात करने के लिए भी, और निधि कहीं ना कहीं अपनी जान भी बचाना चाहती है क्योंकि अब इस पूरे मामले में उसकी अपनी भूमिका रहस्यमय हो गई है। क्या मीडिया के सामने निधि को लाने के पीछे दिल्ली पुलिस का दिमाग है? क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार बदनाम हो रही थी, मीडिया उनसे लगातार सवाल कर रहा था, और अब निधि का एक और झूठा बयान कि अंजलि ने शराब पी रखी थी। निधि की भूमिका और भी रहस्यमय हो जाती है और इसके लिए मैं मीडिया की एक रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहूंगा।
निधि के बयान के मुताबिक अंजलि ने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी। उसने बताया कि वो एक्सीडेंट के वक्त साथ में ही थी और उसके बाद डर के चलते वो अपने घर चली गई थी। लेकिन यहां पर भी निधि के बयानों में फर्क दिखाई दे रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें निधि अपने घर जाने के बजाय पहले किसी अन्य के घर गई थी। अब आगे ये रिपोर्ट क्या कहती है वो आपको चौंका देगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंजलि के शराब नहीं पीने की पुष्टि हुई है। इसके साथ बलात्कार जैसी वारदात की बात भी नहीं हुई है। रिपोर्ट में यह भी साफ हुआ है कि अंजलि के शरीर पर 40 जगहों पर चोट के निशान हैं। पीठ पूरी तरह से छिली हुई है। निधि के पड़ोस के लड़के ने बताया, और आप इस बात के गौर कीजिएगा, निधि के पड़ोस के लड़के ने बताया कि 1 जनवरी रात निधि 2:30 बजे उनके घर में फोन चार्जिंग के लिए आई थी और फिर दोबारा से फोन लेकर चली गई। सारा मकसद था कि दिल्ली के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की बदतर हालत होती जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में उन्हें बचाया जाए। देखिए किस तरह से बदनाम किया था मीडिया ने आपके सामने, टाइम्स नाउ, नवभारत ने किस तरह का कचरा चलाया आपके स्क्रीन्स पर। कंझावला कांड, होटल के कर्मचारियों का बड़ा दावा, होटल में लड़कियों ने नए साल पर जश्न मनाया। मानो जश्न मनाना जो है वो एक गुनाह हो जाता है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, इनका शर्मनाक कवरेज एक एक करके आपके स्क्रीन्स पर आ रहा है। दूसरी लड़की सब जानती है, यानी कि दूसरी लड़की यानी निधि की भूमिका के बारे में किस तरह से बात की जा रही थी। कंझावला केस रूम नंबर 104 में सबूत, दिल्ली पुलिस जो ना देख पाई, लड़की की सहेली जानती है रात का राज, किसकी सहेली कितनी पहेली। और सबसे शॉकिंग आपके स्क्रीन्स पर न्यूज 24, हादसे की पीड़िता ने मौत से पहले होटल में की थी पार्टी, चश्मदीद का दावा, नशे में थी लड़की। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, पूरा मकसद था किसी ना किसी तरीके से अंजलि को बदनाम किया जाए, उसके चरित्र को बर्बाद कर दिया जाए। क्यों? ताकि दिल्ली पुलिस को बचाया जा सके, ताकि दिल्ली पुलिस की हरकतों पर पर्दा डाला जा सके। और दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। गृह मंत्रालय के सर्वे सर्वा कौन है? अमित शाह जी। और अमित शाह जी को लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट करने का यह तरीका जी न्यूज ने निकाल रखा था कि दरिंदों की खैर नहीं, क्योंकि अमित शाह आने वाले हैं। काश उनकी दिल्ली पुलिस मुस्तैद होती तो 12 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया था, एक भी बैरिकेडिंग ने उसे नहीं देखा। चश्मदीद ने 20 बार पुलिस को कॉल किया मगर उसका जवाब पुलिस ने नहीं दिया। ये तमाम सवालात हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर दोस्तों, कि उन्होंने किस बुरी तरीके से इसे हैंडल किया। यही नहीं, आपको एक बात पर और गौर करना पड़ेगा। यह केस 2 धाराओं में दर्ज हुआ है, 279 और 304A। ये दोनों गैर इरादतन हत्या है। अब आप मुझे बताइए, जब पांचों ने शराब पी रखी थी और उन्हें पता है कि शराब पीने से इसका क्या नुकसान होता है, तो आप उसे गैर इरादतन हत्या कैसे बता सकते हैं? और जब मीडिया का दबाव बना तब इन्होंने एक और धारा को जोड़ा, वो कौन सी धारा है? 304। 304 में सिर्फ इतनी तब्दीली आती है कि अब उन्हें 14 साल की सजा मिल सकती है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह भी तो गैर इरादतन हत्या का मामला है ना। जब आपको पता है कि आपने शराब पी रखी है, बावजूद आप इसके गाड़ी चला रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? और बात यहां नहीं रुकी। अगर निधि के एक बयान पर विश्वास किया जाए तो उसने कहा कि जब अंजलि उनकी कार के नीचे आ गई थी तो कार ने आगे पीछे किया, बार बार आगे पीछे। आप बताइए उसे बचाया जा सकता था? गाड़ी आगे पीछे कब होती है? जब आपको व्यक्ति को रौंदना पड़ता है या आप रौंदना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। ये तमाम फैक्ट्स हैं दोस्तों जो मैं आपके सामने ला रहा हूं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर। और अब वो बड़ा सवाल, इसका मकसद क्या था जो तमाम चीजें मैंने अभी आपको दिखाई?
क्या देश की जनता को यह सब्ज बाग दिखाना है कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे, तब यह आदमी कपिल मिश्रा पुलिस की मौजूदगी में कहता है कि अभी तो हम जा रहे हैं मगर कल पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी। और उसके बाद दिल्ली में दंगे होते हैं, करीब 60 लोग मारे जाते हैं और उस वक्त भी देश के गृहमंत्री अमित शाह हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है दोस्तों? बाकायदा लोगों पर निशाना साधा जा रहा है, हिंदुओं पर निशाना साधा जा रहा है, और इस वक्त देश के गृहमंत्री कौन है? अमित शाह है। कश्मीर में किसका राज चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि नुमाइंदे तो एलजी बीजेपी के ही है ना, मोदी सरकार के ही है। यहां पर सवाल मोदी सरकार से क्यों नहीं किया जाता, बताइए आप मुझे। या सबसे बड़ी बात, यहां पर सवाल देश के गृहमंत्री अमित शाह से क्यों नहीं किया जाता? मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। आप में से कई लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि कश्मीर के अंदर जिन हिंदुओं को मौत के घाट उतार गया, तुम उनके बारे में क्यों कुछ नहीं कहते हो? मैं आपके सामने कश्मीर का मुद्दा लगातार लाता रहा हूं, मगर क्या उन नागरिकों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी है? इस पर भी आप सवाल मुझसे पूछेंगे, इस पर भी आप सवाल मोदी सरकार से नहीं पूछेंगे, जिनकी जिम्मेदारी है कि आतंकवाद पर काबू पाया जाए। क्योंकि आपने कहा नोटबंदी हमने कर दी, आतंकवाद मर गया। आपने कहा धारा 370 हमने हटा दिया, आतंकवाद खत्म हो गया। मगर बावजूद इसके वहां लोगों पर निशाना साधा जा रहा है। क्या आप मोदी सरकार से सवाल करते हैं क्योंकि नागरिकों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना, नागरिकों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। आतंकवादियों पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है, अभिसार शर्मा की नहीं है। इस बात को आप समझे या नहीं समझे, उसी तरह से दिल्ली की सड़क पर अगर लड़कियां घूमती हैं तो उन्हें सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। अगर उस लड़की ने शराब भी पी रखी है तो अधिकार किसी का नहीं है कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए या उसे बदनाम किया जाए। क्योंकि लड़के तो शराब पीते हैं, हाँ, उसे अदा कहा जाता है, उसे तड़ी कहा जाता है। लड़की अगर शराब पी ले तो तुम उसे बदनाम करोगे? अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लो। बहरहाल दोस्तों, दिल्ली का कंझावला और ये जो पूरी वारदात हुई है उसका मकसद यही था कि किसी भी कीमत पर मोदी सरकार की छवि को बचाया जाए, और इसमें गोदी मीडिया और पुलिस लगातार लगी हुई थी। सोच की भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों, अगर 2012-13 की निर्भया जो कांड हुआ था, जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात में थी और फिर एक बस के अंदर उसके साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी गई, सोचिए अगर वो घटना आज होती तो। निर्भया का चरित्र हनन करने का कोई मौका ये मीडिया नहीं छोड़ता, ये पुलिस नहीं छोड़ती, जबकि हम जानते हैं उस दौरान पुलिस ने बहुत मुस्तैदी से अपना काम किया था। उस वक्त की सरकार ने भी निर्भया और उनके परिवार पर निशाना नहीं साधा था, मगर अब बदल गया है सब कुछ। अब दोष लड़की पर मढ़ा जाता है, चाहे वो विक्टिम क्यों ना हो। हाथरस देख लीजिए, कंझावला देख लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में देख लीजिए, स्वामी चिन्मयानंद वाले मामले में देख लीजिए, तमाम मामलों में दोष लड़की का ही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचाने के लिए अपने नागरिकों पर निशाना साधती हैं, यह हकीकत है। ये तमाम जो घटनाएं हैं इस बात को प्रमाणित करती हैं। बताइए मैंने सही कहा या झूठ कहा? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।